हेलो फ्रेंड्स, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हर कोई इतना बिजी है कि कोई भी किसी भी चीज़ पे ज़्यादा समय दे नहीं पाता है। अगर हम हाउस लाइफ की बात करें तो पहले के समय में रोटी बनाने के लिए कोई तो प्रोसेस में गुजरना पड़ता था, जैसे कि गेहूं को पहले पिसाना पड़ता था, फिर उसको हाथ में घूनते थे और हाथ में फिर उसकी गोला बनाते थे, फिर एक एक करके चूल्हे पे रोटी बन पाते थे, जिसके चलते उसको बनाने के लिए काफ़ी समय लगता था। इसमें घर की औरतों को काफ़ी समय देना पड़ता था। बाकी फ्रेंड्स, आजकल ऐसे मशीन आ चुका है जिसमें ना आटे घूनने की ज़रूरत है ना गोले बनाने की ज़रूरत पड़ता है। ऐसे कि ये मशीन कोले को प्रेस करके ऑटोमेटिक चपाती बनाकर दे देता है। फ्रेंड्स नमस्कार, आज हम देखने जा रहे हैं ऐसे एक रोटी बनाने का मशीन जिसमें ऑटोमेटिक चपाती बनकर तैयार हो जाते हैं। ये है वही मशीन जो कि 3 डिफरेंट मशीन में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले में ये आटा घोलने की मशीन है, सेकंड में घुने हुए आटा के गोले बनाने की मशीन है, थर्ड में ये प्रेस मशीन, यानी इसको हम रोटी मेकिंग मशीन भी कह सकते हैं, जिसमें गोले को प्रेस करके चपाती बनाकर तैयार कर देता है। सबसे पहले उसका प्रोसेस देखते हैं। ये है आटा घोलने की मशीन। उसमें सूखे हुए आटा को उसके बाउल में डाला जाता है, फिर उसके स्विच को ऑन किया जाता है। जैसे मशीन चालू हो जाता है, फिर उसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी मिलाया जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो दोबारा पानी डाला जा सकता है। इसी मशीन में 1 किलोग्राम आटा घोलने के लिए 1 मिनट से भी कम समय लगता है। फिर जैसे आटा अच्छे से घून कर तैयार हो जाते हैं, उसको एक जगह निकाल कर रख दिया जाता है। ये है दूसरा मशीन जो कि गोले बनाने की मशीन है। घुने हुए आटा को इसी मशीन पे डाला जाता है, फिर आप देखेंगे कैसे गोला बनकर गिर रहा है। इसी मशीन की एक खासियत ये है कि इसमें बना हुआ हर गोला एक साइज की होता है, जिसके कारण रोटी भी एक साइज की बनता है। नेक्स्ट स्टेप है इसी गोले से चपाती बनाना है। ये है प्रेस मशीन, जिसको हम रोटी बनाने के मशीन भी कह सकते हैं। फिर गोले को प्रेस मशीन पे एक एक करके डाल दिया जाता है। गोले मशीन के अंदर बर्नर है, फिर दूसरे साइड आप देख सकते हैं कैसे चपाती बनकर निकल रहा है। Thank you.
फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट्स बॉक्स में बताना, और रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको ग्रो होने में हमारी मदद करिए। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।